तो भाई चलिए आज हम बात करते हैं कल रिलीज हुआ तीन फिल्म के बारे में। पहला तो है कब्जा, फिर जिगाटो और मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे। मैं इसके ऊपर कम्युनिटी पोस्ट भी छोड़ा था, एक मतलब ये पोलिंग वाला। तो मैंने पूछा था कि कौन सा फिल्म अच्छा है बोल करके। तो बहुत सारे भाई लोग ये भी कमेंट किए हैं कि कोई भी फिल्म अच्छा नहीं था। बहुत सारे भाई लोग ये भी किए हैं कि जिगाटो अच्छा था वगैरह वगैरह, अपने हिसाब से ओपिनियन दिए हैं। तो गाइस मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि आखिर क्या हो रहा है यार, ऑडियंस को समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। हमेशा कोई एक शिकायत रहती है दोस्त, एक शिकायत ये रहती है कि अच्छी कंटेंट के साथ फिल्म नहीं बन रही है। लेकिन जब कोई अच्छी कंटेंट वाली फिल्म आती है तो उसको सपोर्ट नहीं मिलती, प्यार नहीं मिलता। जिगाटो एक ऐसी मूवी है, एक ऐसी मूवी है, आप खुद रिलेट करोगे उससे, खुद रिलेट करोगे, एकदम से भावुक हो जाओगे। ऊपर से कपिल शर्मा की जिस तरह की एक्टिंग होती है, कसम से यार बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड लगती है, बहुत ही ज्यादा। अगर आप एक पुअर फैमिली से बिलोंग्स करते हो, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग्स करते हो, कपिल शर्मा वो फिल्म में जिस तरह का काम किए हैं उस तरह का काम आप भी करते हो, या फिर कोई स्ट्रगल वगैरह किए हो और अभी पहुंचे हो, या फिर उस तरह का लाइफ आपका हो चुका है, हो रहा है, तो आप एकदम से इस कदर रिलेट करते हो वो फिल्म को, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि वहां पे कपिल शर्मा एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, वहां पे मैं खुद हूं वो फिल्म में, वैसा लगता है। उस तरह की फिल्म है वो, उस तरह की फिल्म है कि एक इंसान खुशी किस तरह से ढूंढ लेता है इतनी दुख के बीच, ऐसा फिल्म है। क्या वो अच्छी फिल्म नहीं है? लेकिन ऐसी फिल्म को सपोर्ट ही नहीं मिलता है। उसकी फर्स्ट डे कलेक्शन तकरीबन 40 लाख, तकरीबन 40 लाख हुआ है। और क्या चाहिए भाई ऑडियंस को, क्या चाहिए बताओ। उसके बाद मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे, एक माँ की प्यार को वहां पे दिखाया गया है, एक ट्रू इवेंट को वहां पे दिखाया गया कि एक माँ पूरे के पूरे देश के साथ अपने बच्चों के लिए कैसे लड़ती है। ऊपर से उसकी मतलब उसकी फैमिली, उसकी उसकी हस्बैंड, उसके सास ससुर, ये लोग कोई भी मदद नहीं करते, उल्टा उसको मतलब और भी धकेल देते हैं दुख में कि उसको पागल घोषित कर देंगे, मतलब कोई मतलब वो मेंटली स्टेबल नहीं है इस तरह का आरोप लगा देंगे। लेकिन फिर भी पूरा का पूरा देश के साथ लड़के, सबके साथ लड़के वो अपने बच्चे को छुड़ाती है। और क्या चाहिए, और कैसी कंटेंट चाहिए। ऐसी फिल्म का डे वन कलेक्शन रहता है 1 करोड़ के ऊपर, जस्ट ऊपर, ज्यादा नहीं। ओके और तीसरी फिल्म है कब्जा, पैन इंडिया फिल्म, सबका पूरा नजर टिका हुआ था वो फिल्म के ऊपर। क्या फिल्म था, नहीं क्या फिल्म था। शायद ये पहली फिल्म होगा जो एक फिल्म में हर एक सीन में हीरो की खाली बस एंट्री किया गया हो, बस एंट्री। हाँ अभी हीरो एंट्री करेगा मारेगा, एंट्री करेगा मारेगा, जो भी आओ मारो। एक साउथ की एक एक्टर हैं, बहुत ही ज़्यादा फेमस है, वो पहले विलेन के किरदार में नजर आते थे, फिर मतलब दादाजी के किरदार में, बहुत ही वर्सेटाइल एक्टर हैं वो साउथ के। वो फिल्म में कब्जा मूवी में उनको बस ट्रेलर में दिखाने के लिए यूज़ किया गया था, जो कि कब्जा मूवी में शायद तकरीबन 2 से 3 सेकेंड उनका फेस दिखाया गया होगा। क्यों दिखाया गया अभी भी मैं सोच रहा हूँ, पता नहीं क्यों। ऊपर से वो मगधीरा की मैन विलन में जो आते हैं ना, मैन विलन जो किरदार है उनका नाम भी मुझे याद नहीं है, तो वो भी है, एंट्री करते हैं मारा जाते हैं, ठीक है मार दिए जाते हैं, वो बिल्कुल वैसा ही है। एक एक्टर एंट्री करेगा हीरो उसको मार देगा, एक एक्टर एंट्री करेगा हीरो उसको मार देगा, बार बार आएगा मारेगा, आएगा मारेगा, कोई स्टोरी नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है ना। ऊपर से देखो सीनियर एक्टर को इसमें लिया गया है, सीनियर एक्टर को उपेंद्र, फिर ये जो श्रिया शरण। देखिए भाई सीनियर एक्टर को साथ एक्टर को लेकर के आप फिल्म बना ले, नो प्रॉब्लम, उनके खिलाफ हम नहीं है, लेकिन उनको दिखाओ ढंग से भाई। उनको बैचलर क्यों दिखा रहे हो, उनको स्टार्टिंग से ये दिखा दो ना कि मतलब वो लोग शादीशुदा है, बच्चे बच्चे हैं, सूट करेगा। श्रिया शरण मैम को देखो, उनको देखो, बैचलर दिखाए हैं वहां पे जो कि लगते भी नहीं है। वो अपने बाप के साथ बात कर रहे होते हैं तो लगते हैं कि दोनों मतलब मियां बीबी है, उस तरह का कुछ भी अच्छा नहीं है। लेकिन वो फिल्म का फर्स्ट डे कलेक्शन 13 से 14 करोड़, बाप रे क्या हो रहा है यार। अच्छे कंटेंट लाओ, अच्छे कंटेंट लाओ, लेकिन जब अच्छे कंटेंट की फिल्म आती है उसको सपोर्ट नहीं मिलता, ऐसे होगा तो कैसे चलेगा भाई, हैं।
अच्छे कंटेंट को प्यार करते हो, सपोर्ट करना चाहते हो, तो वाकई में करो यार, ताकि ऐसी फिल्में आए और ऐसी फिल्में जब बॉक्स ऑफिस पे चलेंगी ना, तभी एक सुकून लगेगा कि अच्छा लगेगा नहीं, चलो ऑडियंस का टेस्ट जो है वो जो मुंह में बोल रहे हैं वो एक्चुअल में भी है बोल करके, अच्छा लगेगा, एक फील आएगा। लेकिन नहीं, ऐसी फिल्में फ्लॉप ही होती हैं गाइस, ऐसी फिल्में फ्लॉप ही होती हैं। शुक्र है कि ऐसे डायरेक्टर लोगों के जैसे कि नंदिता दास जो मेंटो फिल्म में भी लेके आए थे और अभी ये भी लेके आए हैं, बिल्कुल वैसे ही फिर ये मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे फिल्म की जो मतलब इसकी जो मेकर्स हैं ना भाई, इनको मतलब शुक्र है कि ऐसे मेकर्स जानते हैं कि ऐसे फिल्में फ्लॉप होती हैं, चलती नहीं है, फिर भी लेके आ रहे हैं, कम से कम देखने तो मिल रहा है। भाई प्यार करो, सपोर्ट करो और ऐसी फिल्म को कुछ मुनाफा दो यार, ताकि देखने में सुनने में कुछ अच्छा तो लगे, है ना? ऐसा ही हो रहा है यार, क्या ही कह रहे। नहीं, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।